मूवी की स्टार्टिंग में हम वर्जिल नाम के एक बहुत ही वेल्दी आदमी को देखते हैं। वो एक ऑक्शन हाउस को चलाता था और वहां पर वो ऑक्शनियर था। वर्जिल अपने टाइम को लेकर बहुत ही पंक्चुअल था और उसके बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड्स थे। उसे ओसीडी भी था तो ज्यादा लोगों के बीच में वो जाता नहीं था। हमेशा अपने हाथों में ग्लव्स पहन कर रखता था। एक दिन रैंडमली वर्जिल को क्लेयर नाम की लड़की का कॉल आता है। उसे अपने घर पर बुलाती है। उसके घर पर बहुत सारी एंटिक पेंटिंग्स थी और इन्हें वो सेल करना चाहती थी। वर्जिल इनिशियली तो उसे विजिट करने के लिए मना कर देता है, पर बाद में इस बात के लिए वो मान गया। क्लेयर ने उसे बहुत इंसिस्ट किया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम वर्जिल को एक ऑक्शन करता हुआ देखते हैं। वहां पर बिली नाम का एक आदमी एक पेंटिंग बाय करता है जो $20,000 की थी। इस सीन में एक ट्विस्ट था क्योंकि बिली वर्जिल का ही फ्रेंड था। वर्जिल को पेंटिंग बाय करनी थी और वो खुद नहीं कर सकता था, इसी वजह से उसने अपने फ्रेंड को ऑक्शन में बिठाया हुआ था जिससे वो ऑक्शन को मैनिपुलेट कर सके। पेंटिंग खरीदने के बाद बिली वर्जिल को उसकी पेंटिंग दे रहा था। वर्जिल उसे कहता है कि हर कोई जो अपने हाथ में ब्रश पकड़ता है वो पेंटर नहीं बन सकता। ये बात बिली के लिए बहुत ही हर्टफुल थी क्योंकि वो एक पेंटर था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम वर्जिल को क्लेयर के घर पर जाते हुए देख सकते हैं। वहां पर क्लेयर नहीं थी, इसी वजह से वर्जिल बहुत ही गुस्सा होकर घर वापस आ जाता है। थोड़ी देर बाद वर्जिल को क्लेयर का कॉल आया। क्लेयर वहां पर नहीं थी, इसके लिए उसे माफी मांगती है। फिर से उसे आने के लिए कहती है। वर्जिल उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी डील नहीं करना चाहता। क्लेयर फिर रोने लग के कहती कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से मैं घर पर नहीं थी। नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो मैं वहीं पर होंगे, ऐसा फिर से नहीं होगा। वर्जिल भी इस डील के लिए मान जाता है। अब यहाँ पर मूवी में वर्जिल के बारे में हम एक सस्पिशियस चीज नोटिस करते हैं। वर्जिल को पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती थी, पर उसके पास सारी लड़कियों की पेंटिंग्स थे। उसे पेंटिंग्स की हिस्ट्री के बारे में बहुत पता था, पर फिर भी इसी टाइप की पेंटिंग्स उसे अच्छी लगती थी, इनसे अट्रैक्टेड फील करता था। वर्जिल फिर से क्लेयर से मिलने के लिए जाता है। वहां पर क्लेयर उसे वेलकम नहीं करती तो उसका एक सर्वेंट उससे बात करता है। वो वर्जिल को पूरे मैंशन का टूर देता है। वहां पर वर्जिल ने बहुत सारे ओल्ड आइटम्स देखे। वहां पर सब कुछ चीजें देखते हुए उसे कुछ मैकेनिकल्स पार्ट्स दिखते हैं। कोई उसे देख नहीं रहा था तो इन पार्ट्स को चोरी कर लेता है। इन सारे पार्ट्स को अपने एक मैकेनिक फ्रेंड जिसका नाम था रॉबर्ट उसके पास वो लेकर आता है। रॉबर्ट को ये चीज है क्या, इसके बारे में तो थोड़ा सा आइडिया था, पर वर्जिल से कहता है कि अगर तुम और कुछ पीसेस लेकर आओ तो इसे जोड़कर ये क्या बनेगा ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट सीन में वर्जिल को क्लेयर का कॉल आता है। वर्जिल गुस्से में उसे कहता है तुम खुद मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आती, डील तो हम दोनों के बीच में हुई थी। क्लेयर उसे कोई खास रीजन नहीं बताती और अपने डील को कंटिन्यू करने के लिए कहती है। वर्जिल अगले दिन मैंशन में अपने स्टाफ के साथ एंटिक चीजों को कलेक्ट करने के लिए पहुंचा। वह उसे क्लेयर का कॉल आता है। वर्जिल समझ गया कि क्लेयर यही कहीं मैंशन में है। वो क्लेयर की आवाज ट्रेस करने लग गया, पर बातों बातों में उन दोनों का झगड़ा हो गया। सब कुछ वही जोड़कर वहां से चला जाता है। वर्जिल को क्लेयर के बारे में और भी चीजें जानने की क्यूरियोसिटी होने लग गई थी। वो फिर क्लेयर के सर्वेंट को कुछ पैसे देता है और उसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, पर सर्वेंट को भी कोई भी आइडिया नहीं था कि क्लेयर कौन है, क्योंकि हमेशा क्लेयर घर में छुपी ही रहती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे हमेशा वर्जिल और बिली वर्जिल को जो पेंटिंग पसंद आती है वो बाय कर लेते हैं, उसी तरीके से वो आज भी ऑक्शन में कर रहे थे। बिली का ध्यान नहीं था और बिड करने में बिली लेट कर देता है और उसी वजह से वर्जिल को जो पेंटिंग अच्छी लगती थी ये उसके हाथ से चली गई। वो बिली पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। इसके बाद वर्जिल रॉबर्ट के पास आता है। रॉबर्ट उसे कहता है कि ये जो मैकेनिकल पार्ट्स है ये 18th सेंचुरी के हैं, इससे वो एक वॉकिंग सिस्टम बना सकते हैं। वर्जिल इस बात से बहुत ही इंट्रिक्ट हो गया। अब वो क्लेयर और उस मैंशन के बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस था। वर्जिल फिर क्लेयर के मैंशन के सामने की कैफे में जाता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था। वहां पर उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। एक दिन फिर से क्लेयर वर्जिल को अप्रोच करती है। वर्जिल का असिस्टेंट उसे बताता है कि क्लेयर उसे मिलना चाहती है, इसलिए वर्जिल क्लेयर के मैंशन में वापस आता है। वो दोनों बात कर फिर से अपने डील कन्फर्म करते हैं। जाते वक्त वर्जिल को फिर से कुछ मैकेनिकल पार्ट्स नीचे गिरे हुए मिलते हैं, उन्हें उठाकर वो अपने फ्रेंड रॉबर्ट को दे देता है। एक दिन बातों बातों में वर्जिल को पता चलता है क्लेयर अपने घर से बाहर नहीं निकलती क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड का उसे फोबिया है। उसे लोगों के प्रेजेंस में डर लगता है, इसलिए हमेशा अकेली रहती है। हमेशा वो मैंशन के दरवाजे के पीछे ही रहती है। वर्जिल कई बार दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश भी करता है। उसने एक बार दरवाजे को तोड़ने की कोशिश भी की, पर क्लेयर उसे चिल्लाकर ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। अब वर्जिल और क्लेयर के बीच में नॉर्मल डील्स होने लग गई थी। वर्जिल बहुत बार क्लेयर के मेंशन में जाकर उसे डील कंफर्म करता था। ऐसे ही एक दिन वर्जिल जब डील कंप्लीट कर मेंशन से बाहर जा रहा था तो प्रिटेंड करता है कि वो मेंशन के बाहर आ चुका है। उसने सिर्फ डोर का आवाज किया और वहीं पर एक स्टैचू के पीछे वो छुप जाता है। वो छुपकर क्लेयर को देखना चाहता था।
क्लेयर को लगा कि वर्जिल वहां से चला गया है, इसलिए वो अपने रूम से बाहर निकली। वर्जिल फर्स्ट टाइम उसे देखता है और उसे बहुत ब्यूटीफुल लगी, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गया था। नेक्स्ट सीन में वर्जिल क्लेयर के बारे में सारी बातें रॉबर्ट से कहता है। रॉबर्ट उसे क्लेयर से किस तरीके से बात करनी चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, इस सारी चीजों की टिप्स देता है। एक दिन क्लेयर का बर्थडे था तो वर्जिल उसके बर्थडे पर उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया। क्लेयर आज उस पर गुस्सा थी क्योंकि उसके एंटीक आइटम्स बहुत ही कम बिड प्राइस में बिक रहे थे। उसे लग रहा था कि वर्जिल सही से काम नहीं कर रहा। वर्जिल इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो क्लेयर के साथ अपनी डील तोड़ देता है और वहां से चला गया। रात में क्लेयर का वर्जिल को कॉल आता है, अपने बिहेवियर के लिए उसे वो सॉरी कहती है। वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ काम करने का डिसाइड करते हैं। एक दिन फिर से वर्जिल क्लेयर को देखना चाहता था, ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो हाउस से बाहर आ गया और वहीं पर वो छुप गया। जब क्लेयर बाहर निकली तो गलती से उसके हाथों से अपना फोन नीचे गिर जाता है। क्लेयर बहुत ज्यादा डर के और चिल्लाते हुए वापस अपने रूम में चली जाती है। वर्जिल भी डर कर जल्दी से मैंशन से बाहर आ जाता है। उसे क्लेयर का कॉल आया, उसे कहती है कि मेरे मैंशन में कोई आ गया था, प्लीज मेरी मदद करो। क्लेयर को लगा था कि उसके मैंशन में कोई और ही है। वर्जिल को अपनी गलती का एहसास हुआ था। क्लेयर को शांत करने के लिए उसे बता देता है कि घर में मैं ही था। क्लेयर फिर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होके और चिल्लाकर उसे मैंशन से बाहर निकाल देती है। वर्जिल दुखी होकर वहां से जा रहा था तभी क्लेयर उसे पीछे से आवाज लगाती है। फाइनली फर्स्ट टाइम अपने रूम से वर्जिल से मिलने के लिए बाहर आती है। वर्जिल उसे देखता ही रह गया। वर्जिल अब तक अनमैरिड था, उसे कोई आइडिया नहीं था कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं, किस तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं। रॉबर्ट जैसे उसे गाइड करता था वैसे वो क्लेयर के लिए अलग अलग कपड़े, उसके लिए प्रेजेंस लाना शुरू करता है। क्लेयर को ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। एक दिन वर्जिल क्लेयर को मैंशन के सामने के कैफे से कुछ खाने के लिए लेकर जाता है। वहां पर वर्जिल की नजर एक शॉर्ट हाइट की लेडी पर पड़ी। वो हमेशा उसी कैफे में रहती थी, उसे जरा अजीब लगता है। वो लेडी मैथ सब्जेक्ट में बहुत ही जीनियस थी। हमेशा उसके आसपास लोग उसे मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए आया करते थे, उनके डाउट सॉल्व कर देती थी। अब स्लोली स्लोली क्लेयर को भी वर्जिल अच्छा लगने लग गया था। वो उसे हैंडसम भी कहती है, एक बार उसने उसे किस भी किया था। एक दिन डिनर करते वक्त वर्जिल रॉबर्ट से कहता है कि तुम्हें भी एक बार स्टैचू के पीछे छुपना चाहिए ताकि तुम क्लेयर को देख सको। उन्होंने वैसा ही किया और क्लेयर की ब्यूटी देखकर रॉबर्ट भी बहुत ही हैरान हो गया था। एक दिन वर्जिल से मिलने के लिए रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड आती है। वो रोते हुए वर्जिल से कहती है कि आजकल रॉबर्ट मुझे अटेंशन नहीं देता, उसे लग रहा था किसी दूसरी लड़की से अट्रैक्टेड है। बातों बातों में उसने क्लेयर का नाम भी बता दिया। रॉबर्ट इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वर्जिल को लगता है कि रॉबर्ट भी क्लेयर से प्यार करता है और इसी वजह से नेक्स्ट टाइम जब रॉबर्ट काम के लिए आया तो उसकी पेमेंट कर उसे जॉब से निकाल देता है। एक दिन वो फिर से क्लेयर से मिलने के लिए आया। क्लेयर फर्स्ट टाइम वर्जिल को अपने रूम में अंदर आने के लिए अलाउ करती है। वर्जिल वहां पर बहुत सारी एंटीक चीजों को देखता है। वो दोनों करीब आ गए और किस करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। जब भी वर्जिल क्लेयर के पास आता था तो थोड़े थोड़े मैकेनिकल पार्ट्स वो लेकर जाता है। उन्होंने इन सब चीजों को जोड़कर रोबोट जैसा एक सिस्टम बनाया। वो वर्क तो कर रहा था पर अब जो न्यू मैकेनिकल पार्ट्स वर्जिल ने लाए हुए थे उसे फिट करना आ नहीं रहा था। रॉबर्ट को उसने जॉब से निकाल दिया था, इसी वजह से उसे फिर से जॉब दे देता है, उससे प्रॉपरली माफी मांगता है। इसके बाद रॉबर्ट ने क्लेयर को इम्प्रेस करने के लिए उसे कुछ टिप्स भी दी। एक दिन वर्जिल क्लेयर के लिए लंच लेकर आया, उसने उसे आवाज दी पर पूरे घर में क्लेयर की कोई भी आवाज आ नहीं रही थी। पूरे मैंशन में उसे ढूंढने लगता है पर क्लेयर उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। उसे लगता है कि क्लेयर शायद चली गई। इसके बाद वो क्लेयर के सर्वेंट्स, अपने फ्रेंड्स और बाकी लोगों से सबसे डिस्कस करता है कि क्लेयर उसे छोड़कर क्यों चली गई। वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसे ये भी याद नहीं था कि उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्शन पास आ रहा है। उसके बाद उसके असिस्टेंट का कॉल आया। जल्दबाजी में उसने ऑक्शन किया। ऑक्शन में वो बिडिंग पर सही से फोकस नहीं कर पाता, इस वजह से सब कुछ वो गलत बोल देता है। सब लोग फिर उस पर हंसने लग जाते हैं। वर्जिल अकेला अपने रूम में बैठा हुआ था तभी उसे याद आता है कि क्लेयर ने उसे एक सीक्रेट रूम के बारे में बताया हुआ था, शायद वो वहीं पर हो। वर्जिल फिर क्लेयर के सर्वेंट के साथ मिलकर उस सेक्शन में जाता है। फाइनली वहां पर उसे क्लेयर मिल गए। वो बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रही थी, इसी वजह से वहां पर चली गई थी। उसे फील करने का रीजन बताती है, उसका पहले एक बॉयफ्रेंड था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जैसा हर एक बॉलीवुड मूवी में होता है, एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। उस दिन से क्लेयर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई और इस मैंशन में रहने लग गए। क्लेयर अब इमोशनली बहुत ज्यादा डैमेज थी, इसी वजह से वो दोनों इंटीमेट होते हैं। रात में वर्जिल सोच रहा था कि क्लेयर को इस वर्ल्ड में कैसे लाया जाए, बाकी सब लोगों के साथ वो रह सके, इस तरीके से उसे कैसे रेडी किया जाए। वो क्लेयर से मिलने के लिए जा रहा था तभी उस पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया। उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। उन्होंने उसे लूट लिया और वहां से वो चले गए।
ये सारी चीजें कैफे में बैठी हुई लेडी देख रही थी। अब अनकॉन्शियस होने से पहले वर्जिल क्लेयर को कॉल करता है। क्लेयर उसके लिए वरीड थी तो डायरेक्टली मैंशन के बाहर आके जो कभी भी किया नहीं करती थी वर्जिल को मदद करती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब क्लेयर के ओसीडी से ज्यादा जो वर्जिल के लिए प्यार महसूस करती थी वो ज्यादा हो गया था और इसी वजह से उसने लोगों को फेस करना सीख लिया था। वर्जिल को ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो फिर उसे अपने बंगलों में लेकर जाता है, उसे अपना प्राइवेट रूम दिखाता है जहां पर अपनी सारी पेंटिंग्स उसने रखी हुई थी। क्लेयर देखकर बहुत ही अमेज थी। वर्जिल उसे कहता है कि इन सबसे सुंदर लड़की का मैं वेट कर रहा था और फाइनली अब तू मुझे मिल गए। वो दोनों फिर किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में वर्जिल, क्लेयर, रॉबर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड ये सब साथ में डिनर करने के लिए होटल में गए हुए थे। यहाँ क्लेयर वर्जिल को लेकर अपनी सारी फीलिंग्स उसे बताती है। वर्जिल उसे कहता है कि अब मैं एक फाइनल ऑक्शन करूंगा और इसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, एक अच्छी सी फैमिली क्रिएट करूंगा। नेक्स्ट डे वर्जिल अपनी लाइफ का लास्ट ऑक्शन करता है और वहां पर उसने बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। लास्ट में सब लोग उसके लिए क्लैप भी करते हैं। वर्जिल जैसे ही ऑक्शन कंप्लीट करता है और अपनी एक पेंटिंग सीक्रेट रूम में रखने के लिए जाता है तो हम देख सकते हैं कि उसे सीक्रेट रूम की सारी पेंटिंग्स वहां पर नहीं थी, वो सारी चोरी हो गई थी। ये काम क्लेयर के अलावा और कोई नहीं कर सकता था क्योंकि वर्जिल के साथ सिर्फ उसे इस रूम का पासवर्ड पता था। ये सारी पेंटिंग्स क्लेयर ने ही चुराई हुई थी। उस रूम में वर्जिल को वही मैकेनिकल रोबोट मिला जिसके पार्ट्स वो मूवी के स्टार्टिंग में कलेक्ट कर रहा था। ये सारे पार्ट्स वो रोबोट को देता था और इससे वो रोबोट बना रहा था। उसमें एक स्पीकर था, उसमें से आवाज आ रही थी कि कबाड़ की सारी चीजें एंटीक होती है, ऐसा सिर्फ मैं मानता हूँ। ये भी कहा था कि वर्जिल मैं तुम्हें मिस करूंगा। इस सब का मतलब है रॉबर्ट ने वर्जिल को धोखा दिया था। ये सारे मैकेनिकल पार्ट, क्लेयर की सारी चीजें, ये सब कुछ फेक था। क्लेयर और रॉबर्ट पहले से साथ में काम कर रहे थे। रॉबर्ट यहाँ पर चोरी करना यही इनका टारगेट था। इस चोरी के बाद वर्जिल की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसकी तबीयत खराब होने लग गई क्योंकि उसके लिए एक शौक था। स्लोली स्लोली उसे सारी चीजें रिवील होने लग गए। उसे पता चलता है कि वो मैंशन क्लेयर का नहीं था, कैफे में जो लेडी बैठती थी वो उसकी ओनर थी। क्लेयर ने सिर्फ उसे रेंट पर लिया था। जो लेडी वहां पर बैठती थी उसी का एक्चुअल नाम क्लेयर था। इस सारे प्लान में उसके फ्रेंड्स बिली और रॉबर्ट ये भी शामिल थे। बहुत समय से इस सब की प्लानिंग चल रही थी। मूवी के एंड में वर्जिल कैफे में जाता है। क्लेयर उसके साथ इस कैफे में जाना चाहती थी। वो सोचता है कि अगर क्लेयर उसे प्यार करती है तो वो भी उस कैफे में उसका वेट करेगी, पर क्लेयर वहां पर नहीं आती। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।